उजियानी प्रीमियर लीग 2018 संस्करण 5। इस कार्यक्रम को बहुत ही शानदार बनाया है भारतीय जनता युवा मोर्चा ने और प्रायोजक है बाबा इंटरनेशनल स्कूल। हमने व्यवस्था की यूट्यूब पर लाइव दिखाने की, कुछ त्रुटियां भी रही। यदि श्रृंखला में मैं इस टूर्नामेंट के संस्थापक राजीव महेंद्रता से अनुरोध करूंगा कि बताएं विशेषताएं इस टूर्नामेंट की और आगामी व्यवस्थाएं। धन्यवाद टिंकल जी। जैसा कि आप बार बार बोल रहे हो संस्थापक राजेंद्र देवता, तो फिर कहीं मैं वही बात कहता हूं कि जैसा आप लोग सुझाव देते थे, आप ही ने खुद ही ये राय मशवरा रखकर, क्योंकि मैं क्रिकेट का इतना शौकीन नहीं था, थोड़े बहुत जैसे आयोजन आप कहते थे वैसे करा दिए जाते थे, लेकिन उजियानी प्रीमियर लीग की जब शुरुआत हुई तो उसके बाद ऐसा माहौल उजियानी में बना। लेकिन एक बात जो मैं चाहता था वो सामने नहीं आई इन टूर्नामेंटों से। मैं चाहता था जो छोटे खिलाड़ी हैं वो भी इस टूर्नामेंट से प्रेरणा लेकर ना खेलना शुरू करें और उजियानी का क्रिकेट हमारा बहुत दूर तक जाए। अभी हालांकि हमारे बच्चे एक दो देखने को मिले दो चार, लेकिन अभाव हमारे यहाँ सबसे बड़ा अभाव है स्टेडियम का। चलो स्टेडियम की थोड़ी बहुत पूर्ति या ग्राउंड करता भी है, लेकिन कोचेज जो हमारे पास नहीं है क्रिकेट की। आज का हाई फाई क्रिकेट इतना टेक्निकल क्रिकेट हो गया है और हम सब लोग स्कोर वगैरह तो देख लेते हैं और टीवी पे सब देख लिया कैसे कौन शॉट मार रहा है, लेकिन टेक्निकल वाइज वो कैसे मारे जाएंगे, कैसे वो खेला जाएगा। हमें हमारे बच्चों को ट्रेनिंग कोई स्कूल नहीं देता, इंग्लिश मीडियम स्कूल बन गए हैं और जो हिंदी मीडियम स्कूल्स में पहले प्रमोशन होता था गेम्स का, जैसे महात्मा गांधी बालिका इंटर कॉलेज ही ले लो हमारे सामने, हमारे पापा के टाइम पे और उसके बाद भी हमारे जो साथी खेलते थे रहमत भाई टिन्नू भाई, और उस टाइम पे क्रिकेट चरम पे था उजियानी का। फिर आप लोगों ने भी बहुत खेला टिंकल क्रिकेट, इन लोगों ने कुक्कू सक्सेना ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, उसके बाद जॉन्टी ये लोग सब खेलते आए। लेकिन जो एक कोच की कमी है उजियानी में हमेशा खलेगी और खल रही है। बदायूं पूरे जिले के लिए समझ लो, पूरे जिले में बदायूं में बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं उस स्तर का क्रिकेट जिस स्तर का क्रिकेट आज देख लो मेरठ वाले खेल रहे हैं, जो बाहर के हमारे लड़के आ रहे हैं वो खेल रहे हैं, जिनके पास स्टेडियम है वहाँ पे कोचेज हैं। अपने आप खेल के अब खेल रह गया, जैसे आईएएस की तैयारी होती है ना उस तरह से खिलाड़ी तैयार होते हैं। 12-12 घंटे की प्रैक्टिस पे खिलाड़ी तैयार होता है। आर्चरी में लड़की गई है पटियाला कशिश खान नाम की, तो मैंने पूछा उससे कैसे प्रैक्टिस करते हो, तो बोली सुबह 5 बजे से हम 9 बजे तक ग्राउंड पे आ जाते हैं। सुबह 4 बजे उठ के थोड़ा बहुत नाश्ता किया, 5 बजे ग्राउंड पे आकर 9 बजे ऑफ हो गया, उसके बाद फिर 11 बजे से 2 बजे तक प्रैक्टिस, फिर 2 से 3:30-4 बजे तक फिर रेस्ट लंच, फिर 4 बजे से 7 लाइटों में भी प्रैक्टिस हो रही है। तो जैसे एक आईएएस ऑफिसर तैयारी करता है उसी की तरह हर खेल की तैयारी है। तो बहुत प्रयास किया था, या मैंने कुछ बन जाए हॉस्टल बन जाए किसी चीज का, नहीं बन पाया, लेकिन वाकई